नमस्कार, आप सभी दर्शकों का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीएससी का बिल ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका एड्रेस है www.cesc.co.in, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमर जोन। कस्टमर जोन, उसके अंडर में आपको एक मेनू मिलेगा डिजिटल सर्विसेज, और डिजिटल सर्विसेज के अंडर में आपको एक सब मेनू मिलेगा। जी हाँ, डिजिटल सर्विसेज के अंडर में आपको एक सब मेनू मिलेगा, व्यू ऑब्लिक प्रिंट बिल, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो अब आपको इस व्यू ऑब्लिक प्रिंट बिल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए, फिर से अब आपका 11 डिजिट का कस्टमर आईडी आपसे मांगा जाएगा। तो आपको देखिए, इस बॉक्स में जो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना जो 11 डिजिट का कस्टमर आईडी है उसे फिल करेंगे। तो चलिए, मैं अपना कस्टमर आईडी सबसे पहले फिल कर लेता हूँ। और कस्टमर आईडी फिल करने के बाद क्या करना है मैं बता रहा हूँ। कस्टमर आईडी फिल करने के बाद देखिए, नीचे जनरेट डुप्लीकेट बिल लिखा हुआ है, जनरेट डुप्लीकेट बिल। तो इस जनरेट डुप्लीकेट बिल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बिल आपको शो कर देगा और बिल आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैंने जनरेट डुप्लीकेट बिल पे क्लिक किया तो मेरा बिल शो कर रहा है। अब मैं इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता हूँ। तो इसे डाउनलोड करके आप सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में, एक मिनट के समय में आप अपना बिल डाउनलोड कर सकते हैं और उसे सेव करके कहीं रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि